स्टार प्लस के सुपरहिट शो इमली के अपकमिंग ट्रैक में अब विलन चीनी का असली चेहरा इमली के सामने आने वाला है। अपनी जिस बड़ी बहन को बेशुमार प्यार करती है इमली, उसकी असलियत जानने के बाद मीठी इमली का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। चीनी ने हमेशा अपने बारे में सोचा है, उसने कभी भी इमली की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की। बचपन से लेकर आज तक उसने इमली के साथ बहुत बुरा किया है, बायस नेचर रहा है हमेशा से चीनी का इमली को लेकर। लेकिन इस बार तो हद तब पार हो जाएगी जब इमली के हम सफर को छीनने में चीनी जरा भी देर नहीं लगाएगी, और वो भी सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि चीनी अथर्व से बेइंतहा प्यार करने लगी है, बल्कि वो अथर्व के पैसों से प्यार करती है। वो सिर्फ अथर्व के पैसों से नहीं, उसे मतलब ही पैसों से है, क्योंकि चीनी एक लैविश लाइफ जीना चाहती है और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी अमीर लड़के से शादी कर लेगी तो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। इसके साथ ही अनु ने भी चीनी को काफ़ी भड़का दिया है। ऊपर से जब अथर्व और उसके भाई भाभी की बातें चीनी सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा घमंड हो जाएगा और वो जिद पर अड़ जाएगी कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ अथर्व से। इसीलिए अब अथर्व के साथ चीनी भागने वाली है। शादी वाले दिन होगा ये सारा ड्रामा जब अथर्व और चीनी एक दूसरे के साथ सारा सामान लेकर भाग जाएंगे और शादी करके वापस लौटने का फैसला लेंगे। इमली को जब ये बात पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा, उसका दिल टूटेगा। लेकिन जैसे ही अथर्व और चीनी वापस आएंगे तो कहानी में आपको ट्विस्ट नज़र आने वाला है। इन दोनों की वापसी के बाद इमली और अथर्व की शादी भी नहीं होने वाली, लेकिन चीनी और अथर्व की शादी भी नहीं हुई है, क्योंकि अथर्व को चीनी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, चीनी और अथर्व के भाग जाने के बाद इन दोनों के बीच खूब सारी तकरार होंगी, जिसके बाद विलेन चीनी का असली चेहरा अथर्व को पता चलेगा, जिसकी वजह से अथर्व उससे शादी करने से इनकार कर देगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि और क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामे लेकर आती है सीरियल इमली की कहानी। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सुपरहिट शो इमली के अपकमिंग एपिसोड में अब सुंदर और अर्पिता 20 साल पुराना एक राज इमली के सामने खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि 20 सालों से मीठी इमली से ये दोनों इस सच को छिपाते आ रहे हैं और अब जाकर ये सच इमली के सामने आएगा। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले तो रुद्र और चीनी के बीच आपको ज़बरदस्त तकरार देखने के लिए मिलेगी, जहाँ रुद्र चीनी को वार्न करेगा अथर्व से दूर रहने के लिए। इसके बाद चीनी का गुस्सा इस कदर बढ़ जाएगा कि वो अब इमली की ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान लेगी। इसके बाद जब अर्पिता और सुंदर को ये पता चलेगा कि अथर्व इमली से नहीं बल्कि चीनी से प्यार करता है, तो ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। पुरानी यादें ताज़ा होने लगेंगी, एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाने लगेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ आदित्य इमली और मालिनी की लव स्टोरी में भी हुआ था। और इन दोनों को, यानी कि सुंदर और अर्पिता को, इस बात का पूरा डर है कि कहीं चीनी इमली और अथर्व की ज़िंदगी भी वही मोड़ ना ले ले। इसी वजह से इन दोनों ने फैसला किया है इमली को सारी सच्चाई बता देने का। इमली अभी तक मालिनी, चीनी, इमली और आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, यहाँ तक कि आदित्य के बारे में भी कुछ नहीं जानती है मीठी इमली। इसीलिए अब सुंदर और अर्पिता दोनों मिलकर मीठी इमली को अतीत के कुछ राज बताने जा रहे हैं, ताकि उनसे सबक लेकर इमली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और चीनी और अथर्व के साथ अपने रिश्तों का फैसला करने में सक्षम बन सके। वेल, अब इंतज़ार रहेगा शो में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। इमली को अब चीनी का एक बड़ा सीक्रेट पता लगने वाला है। जी हाँ, चीनी बहुत ही छिपारस्तम है, यहाँ तक कि उसने इमली को इस बात पर भी यकीन दिलाया हुआ है कि वो इमली से बहुत प्यार करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो है, लेकिन सिर्फ इमली को अपनी बड़ी बहन से, चीनी को इमली से कोई लगाव नहीं है। इसी के चलते सीरियल इमली के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि मीठी इमली को चीनी और मालिनी से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट पता चलेगा, जिसे आज तक चीनी सबसे छिपाती आ रही है। इस बारे में किसी को नहीं पता,
रोजाना चोरी छिपे बिना किसी को बताए एक अनजान औरत से मिलने के लिए चीनी जाया करती है। और ये बात अब शादी की तैयारियों के बीच इमली को पता चलेगी। इमली सोचेगी कि कहीं चीनी किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसीलिए वो फैसला लेगी चीनी का पीछा करने की। और पीछा करते करते इमली के सामने जो नज़ारा होगा वो उसे हक्का बक्का कर देगा। अब बेचारी इमली तो मालिनी को पहचानती नहीं है, क्योंकि तब तक जब मालिनी ने जो कुछ भी किया था उस दौरान इमली पैदा ही नहीं हुई थी। तो ऐसे में जब इमली चीनी को इस औरत के साथ देखेगी तो वो दंग रह जाएगी। उसे लगेगा कि शायद ये औरत चीनी को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है या फिर धमकाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो फ़ोन करके जल्दी से अर्पिता और रूपी को बुला लेगी। लेकिन जब तक ये दोनों पहुँचेंगी तब तक हो चुकी होगी देर और चीनी मालिनी से मिलकर वापस भी लौटने लगेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल इमली की कहानी। अब मालिनी की वापसी होनी तो जाहिर है, क्या मालिनी वापस लौटने के बाद मीठी इमली की ज़िंदगी में भी वही जहर घोलेगी जो उसने इमली की ज़िंदगी में घोला था? जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। रूपाली के सामने चीनी और मालिनी का मास्टर प्लान आने जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द आप स्टार प्लस के सुपरहिट शो इमली के अपकमिंग एपिसोड में मालिनी की धमाकेदार वापसी होते हुए देखेंगे। एक तरफ तो अनु ने पहले से ही चीनी के मन में मीठी इमली के खिलाफ जहर घोल दिया है। अनु ने चीनी के मन में ये बात डाल दी है कि अथर्व से मीठी इमली की शादी नहीं बल्कि चीनी की शादी होनी चाहिए। मीठी इमली इतनी अच्छी फैमिली को डिजर्व नहीं करती बल्कि चीनी करती है। और इसी जलन में आकर अब चीनी तमाम कोशिशें कर रही है मीठी इमली और अथर्व की शादी को तोड़ने की। इतना ही नहीं, इस बार तो चीनी ने हदें पार करते हुए मीठी इमली के चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने मीठी इमली को वो मिर्च वाला लेप दे दिया जिसे लगाकर इमली के चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। इसके बाद अथर्व इमली की मदद करता है और उसे आइस क्यूब्स देता है उसके चेहरे पर लगाने के लिए, जिससे मीठी इमली को काफ़ी राहत मिलती है। वहीं दूसरी ओर चीनी ये सोच कर परेशान है कि आखिर अथर्व इतना पास इतना नज़दीक क्यों जा रहा है इमली के, जबकि सच्चाई ये है कि अथर्व चीनी को पसंद करता है और चीनी अथर्व को पसंद नहीं करती लेकिन उसे छीनना चाहती है इमली से। तो कुल मिलाकर आपको एक बार फिर से मालिनी का एक और अक्स नज़र आने वाला है। बिल्कुल मालिनी की तरह चीनी भी खूब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई नज़र आने वाली है, जिसके बारे में रूपाली को पता लग जाएगा। और अब रूपाली चीनी को रोकने के लिए उसे वक्त वक्त पर डांटती भी रहेगी। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल इमली में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।